गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए आज बेटा हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। जो भी हमारे बचे हुए न्यूमेरिकल हैं चार्ज पर, कूलम्स लॉ पर, ठीक है बेटा कंटिन्यू करते हैं इसको। मैं दो न्यूमेरिकल करवा भी चुका हूँ और चार्ज के ऊपर आपका क्विज भी हो चुका है। आप पीछे वाले लेक्चर में जाके देखिए, जो लेक्चर नंबर 2 और 3 लेक्चर है उनमें आप देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ मैनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। मतलब हमारे पास क्या है, एक कप है पानी का, उसके अंदर आपको बताना है कि कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है बेटा, तो जनरली या फिर हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड, जो एक कप वाटर का होता है उसके अंदर बेटा कितना पानी आता है, 250 ml, या फिर हम बोल सकते हैं 250 ग्राम, क्योंकि वाटर की डेंसिटी क्या होती है बेटा, 1 होती है इसलिए। ठीक है आगे चलते हैं, हाउ मैनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस देयर इन अ कप ऑफ वाटर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस कप ऑफ वाटर के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि बेटा जो वाटर होता है H2O, ये एक मॉलिक्यूल होता है। इसके अंदर दो हाइड्रोजन हैं, एक ऑक्सीजन है। अगर मैं बात करूं इनका मॉलिक्यूलर मास हमारे पास कितना होगा, देखो दो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 2 प्लस 16 ग्राम, ये हमारे पास कितना आ गया, 18 ग्राम। ठीक है बेटा, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मॉलिकुलर मास। मेरे पास मास क्या है, 250 अपॉन मॉलिकुलर मास क्या है बेटा, मेरे पास 18 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। देखिए अब हम सब जानते हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 215 अपॉन 18 इंटू 6.023 इंटू 10 to the power 23। तो ये मेरे पास क्या आ गए बेटा, ये मेरे पास आ गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं 250 ml वाटर के अंदर। अब आगे चलते हैं, अब हमें क्या करना है बेटा, ठीक है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए हमने। ठीक है अब सबसे पहले देखते हैं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। तो देखिए बेटा H2O है, हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, एक एटम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए दो हाइड्रोजन है तो दो इलेक्ट्रॉन हो गए, या फिर हम कह सकते हैं दो प्रोटॉन हो गए। ऑक्सीजन के अंदर बेटा कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर 8 प्रोटॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन हो गए। देखो बेटा इंक थोड़ी कम डार्क होगी, कारण क्या है, लॉकडाउन में इंक वगैरह मिल नहीं रही है, बड़ी मुश्किल से जुगाड़ कर पाया, तो आप थोड़ा जरा ध्यान से देखिए। अब देखिए मेरे पास H2O मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 8 प्लस 2 कितने हो गए बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन, और हम कह सकते हैं 10 प्रोटॉन भी है मेरे पास, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन। तो देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे पास कितने हैं, इतने हैं, और एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, चूंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितना बेटा इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसलिए हमारे पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, 250 अपॉन 18 इंटू 6.023 इंटू 10 to the power 23 के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, इसको हम 10 इलेक्ट्रॉन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये मेरे पास क्या आ गया बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 250 अपॉन 18, सॉरी इसे कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 250 अपॉन कैंसिल आउट हो गया, 25 अपॉन 18, 6.023 इंटू 10 to the power 23, 10 to the power 23। तो ये मेरे पास क्या आ गए कि इतने मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आ गई। अब यहां से मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, अब इन पर कितना चार्ज होगा, तो टोटल चार्ज देखो बेटा, ये हमारे पास एक कप 250 ml के अंदर कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो निकलाया। अगर मुझे चार्ज निकालना है तो इन इलेक्ट्रॉन से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं इनसे मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, किसका, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -19, और ये हमारे पास टोटल चार्ज बेटा आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ देख के, टोटल चार्ज 1.33 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम, 1.33
इंटू 10^7 कूलॉम मीटर। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया इसका, नोट करिए बेटा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इससे भी बेहतरीन है। ये प्रिंटर की इंक है, छिप गई है इसके ऊपर। देखिए बेटा अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10^9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। अगर हर एक सेकेंड में बेटा, एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन्स निकलने हैं? 10^9 इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? क्या बोल रहा है कि किसी भी बॉडी से 10^9 इलेक्ट्रॉन्स हर एक सेकेंड में निकलने हैं, तो कितना टाइम लगेगा 1 कूलम चार्ज को टोटल निकलने के लिए? क्वेश्चन ये हमारा है, ठीक है। तो देखिए एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन निकलना है, 10^9 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं बोलूं एक सेकंड में कितना चार्ज निकल रहा है, तो 10^9 इंटू 1.6 इंटू 10^-19 कूलम। बेटा इतना चार्ज निकल रहा है एक सेकंड में, मतलब क्या हुआ 1.6 इंटू 10^-10 कूलम, ठीक है बेटा। अब देखिए यूनिटरी मेथड लगाते हैं, क्योंकि ये साइन होता है चूंकि देखिए 10^9 इंटू 1.6 इंटू 10^-10 जो कूलाम चार्ज है वो बेटा कितनी देर में निकल रहा है, 1 सेकेंड में। इसलिए 1 कूलाम जो चार्ज निकलेगा वो कितनी देर में निकलेगा, 1/1.6 इंटू 10^-10। ये देखिए हमारे पास कितना आता है, 10^10 तो ऊपर चला गया बेटा, और नीचे क्या रह गया 1.6, ये हो गया 10 और 1/16 इंटू 10^11। ये हमारे पास क्या आ जाता है, डिवाइड करिए 6.625 इंटू 10^11, या फिर मैं कह सकता हूँ 6.25 इंटू 10^11, डिवाइड कर लीजिए इतना ही आएगा। अब देखिए ये क्या है, इतने सेकंड्स टाइम लगा निकलने के लिए। अब अगर इसे हमें टाइम को चेंज करना है आवर्स में, तो 6.25 इंटू 10^11 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3600 से। अगर दिन में हमें करना है तो 24 घंटे, और साल में करना है तो बेटा 365 डेज। तो देखिए यह हमारा आ जाएगा, कैंसिल आउट करिए ज़रा, नीचे क्या आ गई, 2 बिंदु आगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसे काट के, कितना आ रहा है 198.18 ईयर्स। जरा देखिए बेटा 200 ईयर्स, मतलब एक कूलाम चार्ज को निकलने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 200 साल। देखिए कितना, मतलब एक कूलाम चार्ज आपको फीलिंग आ रही होगी कितना ज़्यादा होता है एक कूलाम चार्ज। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन हमारा वर्मा जी से है, क्या है बेटा, एक हमारा ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इस पर 3 चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है बेटा। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हमारे पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है और इस पर चार्ज रखा हुआ है ए पर ए बी सी, ठीक है बेटा, सॉरी सी यहाँ लिया गया है, ए यहाँ लिया गया है और बी यहाँ लिया गया है। तो देखिए ज़रा 5 × 10^5 × 10^-7 कूलम, बी पर रखा हुआ बेटा −2.5 × 10^-7 कूलम, और सी पर रखा हुआ है 1 × 10^-7 कूलम, और इसकी जो साइड दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज सी, क्वेश्चन आपका क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज सी। देखिए सी पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। तो जरा देखिए सबसे पहले हम
ए से लगाया हुआ सी पर फोर्स देखते हैं। देखिए ए इस तरीके से ये ट्राइंगल है, तो ए वाला फोर्स जो लगा रहा होगा वो सी पे कुछ इस तरीके से लगा रहा होगा, ऐसे ही धक्का मार रहा होगा, क्योंकि सेम चार्ज है, सेम नेचर के चार्ज है बेटा, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो इनके बीच में क्या लग रहा होगा, रिपल्सन लग रहा होगा, और अलोंग द लाइन ए सी इधर लग रहा होगा, ए से सी की तरफ, ठीक है बेटा। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए क्या होगा बेटा, के क्यू वन कितना है 1 × 10⁻⁷ इंटू क्यू टू कितना है 5 × 10⁻⁷ अपॉन आर स्क्वायर, आर कितना है बेटा 5 × 10⁻² का होल स्क्वायर, इसे हम निकालते हैं तो 9 × 10⁻⁹ इंटू, देखिए ये भी -7 है, इंटू 5 × 10⁻¹⁴ अपॉन 25 × 10⁻⁴, ये कैंसिल आउट हुआ 10⁻¹⁰, ये कैंसिल आउट हुआ 10⁻¹⁰, तो और ये 5 5 25, तो 9 × 5 × 10⁻¹⁰, ये कितना आ गया 5 1 5, 5 8 40 × 10⁻¹⁰, ये हमारे पास आ गया 0.18 न्यूटन, ठीक है बेटा। अब जरा देखिए ये जो बी वाला चार्ज है वो कैसा है, नेगेटिव का है, नेगेटिव का चार्ज हमेशा क्या करता है बेटा, अट्रैक्ट करता है, तो जरा देखिए जो ये बी वाला चार्ज है वो इसी वाले चार्ज को इधर अट्रैक्ट करेगा इस तरीके से, ठीक है बेटा, इस तरीके से अट्रैक्ट करेगा, तो देखिए एक फोर्स इधर लग रहा है एक फोर्स इधर लग रहा है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कहाँ आएगा बेटा, वेक्टरली बीच में आएगा इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स। तो देखिए जरा हमने क्या निकाल लिया, फोर्स ड्यू टू ए और फोर्स ड्यू टू बी, तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू वी ये आ जाएगा के इंटू क्यू वन बेटा मेरा कितना है 1 × 10⁻¹⁷, क्यू टू कितना है 2.5 × 10⁻¹⁷, बेटा माइनस नहीं यहाँ लगाना है, याद रखना आपने ये अट्रैक्शन दिखा दिया है, फोर्स इधर दिखा दिया है, ठीक है, फोर्स किधर लग रहा है अलोंग सी बी, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो कैसा लगता, अलोंग वी सी, इस तरीके से आपको लिखना है, इसमें आप लिख सकते हैं अलोंग ए सी, ठीक, इसमें आप लिखेंगे अलोंग सी बी, ठीक, अपॉन आर स्क्वायर, आर कितना हमारा 5 ही है, तो 5 × 10⁻²² का होल स्क्वायर, आप इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास कितना आता है, देखिए जरा ये पावर यहाँ 4 हो जाएगी और यहाँ से ये कैंसिल आउट, पावर कितनी बचेगी माइनस की 10, ठीक है, 7 7 7 14 हो गया, 14 में से 4 पावर चलेगी तो माइनस की 10 बची, अब यहाँ से के की वैल्यू रखेंगे तो 9 × 10⁻⁹ इंटू 2.5 × 10⁻¹⁰ अपॉन 25, अब देखिए ये क्या हुआ, नीचे आ गया 10, 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया बेटा, ठीक है, ये एक पावर, ये -1 पावर बची, तो यहाँ कितना आ गया मेरे पास 9 × 10, नीचे है 10 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻², या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.09 न्यूटन। अब देखिए बेटा, अब देखिए अब देखो ये एक फोर्स लग रहा है बेटा, ये फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, और एक बेटा फोर्स ए लग रहा है, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, रिजल्टेंट कहाँ ना इनके बीच में, हमें क्या चाहिए ये थीटा एंगल चाहिए, तो जरा देखिए ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, अब बेटा एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला पूरा एंगल कितना होता है 180 डिग्री, तो ये कितना बचा बेटा 120 डिग्री, तो थीटा हमारा कितना आ गया 120 डिग्री। अब देखिए सबको पता है तो हमें क्या लगाना है, एक फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, F1² + F2² + 2F1F2 cos θ, बहुत आसान है सबको आता होगा रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए, तो ये रिजल्टेंट फोर्स आ गया तो FR = FCA² + FCB² + 2FCA FCB cos 120 डिग्री, ये क्या आ गया रूट के अंदर आ गया। अब देखिए बेटा वैल्यू रख लीजिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है, कॉस 120 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 120 को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस 180 माइनस 60,
कॉस ऑफ माइनस 60, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और ये क्या आ जाएगा, कॉस 60 की वैल्यू आ जाएगी, पुट कर दीजिए, सबको पता है कॉस 60 की वैल्यू बेटा क्या होती है, ठीक है, यहाँ से आप आंसर निकाल लीजिए। देखिए बेटा, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मैं बदल रहा हूँ, हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं। यहाँ पर मेरे पास एक चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट, ठीक है, यहाँ बेटा एक चार्ज क्यू है, यहाँ बेटा एक चार्ज माइनस क्यू है, यहाँ चार्ज क्यू है, यहाँ चार्ज क्यू है। अब आपको बताना है फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट। अब देखिए नेट फोर्स हमें निकालना है किस पर, क्यू नॉट चार्ज पर। अब अगर लॉजिकली सोचा जाए, देखिए बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, ये मैं नाम डाल देता हूँ ए वी सी डी। देखिए बेटा मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, पहले आप पॉज करके अपने आप ट्राई करिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, नहीं तो देखने से कोई मतलब नहीं, ऐसे छाप लेने से आपका दिमाग नहीं बढ़ेगा, ये तो मेरी प्रैक्टिस हो रही है। देखिए ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस का चार्ज है, अगर हम लोग लॉजिकली सोचें तो ये प्लस क्यू वाला चार्ज इस क्यू नॉट पे इधर फोर्स लगाएगा, अगर इस पॉइंट को ओ मानते हैं तो इधर, तो फोर्स ऑन नॉट ड्यू टू डी, ये भी इधर फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगी क्योंकि पॉजिटिव है, तो फोर्स ऑन नॉट ड्यू टू बी, ठीक है बेटा। अब ये देखो चार्ज भी सेम है और ये डिस्टेंस भी दोनों की सेम है, अगर इस स्क्वायर की साइड क्या है बेटा, ए है, तो डिस्टेंस भी सेम होगी, ये फोर्स अपने आप कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें फोर्स किसकी वजह से निकालना है, चार्ज ए और चार्ज सी की वजह से। देखिए जरा, क्योंकि ए वाला फोर्स किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, फोर्स ऑन नॉट ड्यू टू ए, और ये नेगेटिव का चार्ज है तो ये तो इधर इसे अपने आप अट्रैक्ट ही करेगा, तो फोर्स ऑन नॉट ड्यू टू सी, ये दोनों चार्ज इधर फोर्स लगाएंगे, ठीक है बेटा। तो हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, बट बोर्ड में आपको इस तरीके से नहीं करना है बेटा, अभी ये मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ बोर्ड लेवल से, या फिर आपको जिसकी भी प्रिपरेशन करनी हो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं और कराऊंगा जो आपके नीट और जेई वगैरह में आए हुए हैं, फिलहाल तो बेसिक से लेके हम लोग चलते हैं, एकदम से लेवल को उठाने का कोई मतलब नहीं है। देखिए आगे चलते हैं, तो सबसे पहले निकालते हैं फोर्स ऑन नॉट ड्यू टू डी, क्या होगा बेटा, के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन। अब देखिए बेटा किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, जैसे ये ए साइड है, ये ए साइड है, ये स्क्वायर है, तो ये डायगोनल क्या होता है बेटा, ए रूट टू, और स्क्वायर के डायगोनल क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट करते हैं, तो इसलिए ये डायगोनल आधा हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं, मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, ओ डी का होल स्क्वायर, और बेटा ओ डी मेरे पास कितना होगा, ए रूट टू बाई टू, तो ये मेरे पास क्या आ गया, के क्यू क्यू नॉट अपॉन ए रूट टू बाई टू का होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या आएगी इसकी बेटा, अलोंग अलोंग डी ओ, ठीक है। अब देखिए कितना आ जाएगा, के क्यू क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर इंटू टू इंटू फोर, टू टू जा फोर, तो मेरे पास ये कितना आ गया, टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं चार्ज निकालूं, सॉरी फोर्स निकालूं, फोर्स ऑन नॉट ड्यू टू बी, तो ये भी कितना आ जाएगा बेटा, सेम आएगा, आप निकाल के रखिए, सेम आ जाएगा आपके पास कितना, टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर, सेम आएगा। अब देखिए चूंकि एफ ओ बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ओ डी, ये दोनों फोर्स क्या हैं, इक्वल है, ठीक है बेटा, इक्वल है एंड अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। सो ड्यू टू दिस एफ ओ बी कैंसिल एफ ओ डी, ठीक है बेटा। अब हमारे पास कौन सा बचा, चार्ज ए और चार्ज सी। अब देखिए ये दोनों फोर्स किधर लगा रहे हैं, इधर ही लगा रहे हैं, दोनों के दोनों फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स ऑन नॉट ड्यू टू ए बेटा कितना आ जाएगा, के क्यू क्यू नॉट अपॉन ए रूट टू बाई टू का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या आ जाएगी बेटा, अलोंग ए ओ, या फिर मैं कह सकता हूँ अलोंग ए सी भी बोल दो इसको, ठीक।
ये सेम फोर्स आ जाएगा हमारे पास 2k क्यू क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर। अब देखिए बेटा फोर्स ऑन नॉट ड्यू टू सी ये भी कितना आ जाएगा बेटा सेम आ जाएगा 2k क्यू क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर। आप निकाल लीजिए फॉर्मूला लगा के आपको पता है इसकी डायरेक्शन बेटा क्या आ जाएगी अलोंग ओ सी। अब देखिए दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या है सेम है एक की ए सी दूसरे की ओ सी एक ही डायरेक्शन में इसलिए क्या हो जाएगा एफ आर रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाएगा एफ ओ सी प्लस एफ ओ ए डायरेक्टली ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2k क्यू क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2k क्यू क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर। ये हमारे पास कितना आ गया 4k क्यू क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर। फाइनली ये हमारे पास वैल्यू आ गई। देखिए बेटा अब हमारा अगला क्वेश्चन है जो भी हो क्वेश्चन नंबर 4 या 5 हमारे पास बेटा क्या है एक रेगुलर हेक्सागन है एक रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन का मतलब होता है बेटा सारी साइड्स इक्वल एल 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 एल। अब देखिए इस रेगुलर हेक्सागन पर चार्ज रखे हुए हैं हर एक इसके वर्टिसेस पे चार्ज रखे हुए हैं ठीक है और यहाँ पर एक क्यू नॉट चार्ज है। आपके पास क्वेश्चन है कि फाइंड द चार्ज फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट। इस क्यू नॉट के ऊपर फोर्स आपको बताना है तो देखिए लॉजिकली ये सारे एंगल क्या होंगे बेटा 60 डिग्री रेगुलर हेक्सागन है तो 60 डिग्री। अब देखिए आप चाहे निकालें या ना निकालें आप इंट्यूशनली देखिए जरा क्या करेंगे ये क्यू इस क्यू नॉट पे इधर फोर्स लगा रहा होगा ये क्यू इस क्यू नॉट पे इधर फोर्स लगा रहा होगा सेम चार्ज है सेम डिस्टेंस है इक्वल एंड अपोजिट है तो इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया। फोर्स का फॉर्मूला तो आपको पता ही है एफ इक्वल्स टू क्या होता है बेटा के क्यू क्यू नॉट अपॉन ये डिस्टेंस जो भी निकल के आएगी। देखो बेटा ये एल है तो ये भी एल होगा ये भी एल होगा क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है अगर रेगुलर हेक्सागन है तो ये मेरे पास क्या आ गया एल स्क्वायर सेम इसके लिए इधर हो जाएगा सेम इसके लिए इधर हो जाएगा इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया और ये आपका क्या हो जाएगा नेट नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा जीरो आ जाएगा। अब देखो कहानी में ट्विस्ट कब आएगा बेटा कहानी में ट्विस्ट आएगा जब रेगुलर हेक्सागन रहे बट चार्ज बदल दिए जाए आपके जैसे ये मेरे पास एक कोई रेगुलर हेक्सागन है ठीक है बेटा और इसकी भी सेम साइड एल है एल है एल है एल है यहाँ पर क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है। अब यहाँ पर चार्ज 5q है यहाँ पर 4q है 3q है 2q है यहाँ पर क्यू ही है और यहाँ पर q/2 है। अब आप अब थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाएगा हम थोड़ा सेम ले लेते हैं यहाँ पर 3q रख देते हैं ठीक है यहाँ 4q रख देते हैं। अब आप इसको करिए अगर आपको नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे करना ये आपके लिए होमवर्क है ठीक है कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए एक हमारे पास बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है बेटा हमारे पास कि एक चार्ज है एक क्यू चार्ज है ये सर्कुलर मोशन कर रहा है ठीक है एक क्यू चार्ज है इसकी वी वेलोसिटी है और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है ये डिस्टेंस आर है इस सेंटर के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है ये भी हमें पता नहीं है कितनी और इस सेंटर पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है सेंटर पर और ये बेटा क्या है माइनस क्यू चार्ज है। देखिए सर्कुलर मोशन तो ऑब्वियस सी बात है तभी करेगा जब दोनों के बीच में क्या होगा बेटा अट्रैक्शन होगा तभी तो ये घूम पाएगा ठीक है अगर दोनों क्या होते पॉजिटिव पॉजिटिव होते तो कभी ये घूमता ही नहीं रिपल्सन हो जाता दूर चला जाता। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड वेलोसिटी आपको गिवन क्या क्या है देखिए फाइंड वेलोसिटी दूसरा पूछा है आपसे काइनेटिक एनर्जी तीसरा पूछा है आपसे ओमेगा पूछा हुआ है ओमेगा मतलब एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी और शायद क्या पूछा है टाइम पीरियड भी पूछा गया है शायद
टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ये सारी कहानी आपसे पूछेगी। तो पॉज करके पहले खुद ट्राई करिए, उसके बाद में आप सॉल्यूशन देखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं बेटा, ये देखिए ये जो रोटेशन कर रहा है ये क्या कर रहा है बेटा, ये दे रखा है आपको कि ये UCM कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। गिबन पहले क्या क्या है हमको, गिबन हमको दे रखा है एक प्लस क्यू चार्ज, बड़ा वाला, छोटा वाला, स्मॉल क्यू चार्ज एंड डिस्टेंस आर, और इसके अलावा कुछ भी गिबन नहीं है, बाकी सब हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे वेलोसिटी फाइंड करेंगे। अब देखिए वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, जो ये चार्ज घूम रहा है ये बेटा कौन सा फोर्स लगा रहा होगा सेंटर की तरफ, सेंट्रिपेटल फोर्स, ये कितना होता है mv² / r। हाँ बेटा इसका मास और दे रखा है m, ये सारी गिवन क्वांटिटीज हैं। सेंटर की तरफ कितना फोर्स लगा रहा है mv² / r, और ये फोर्स कौन इसको दे रहा होगा, जो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये mv² / r किसके इक्वल होगा बेटा, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ से ये v² = क्या आ गया, के क्यू क्यू अपॉन आर इंटू एम, तो वी हमारे पास यहाँ से कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ के क्यू क्यू अपॉन आर एम, ये हमारे पास क्या आ गई वेलोसिटी, से साइड में लिख लेते हैं वेलोसिटी इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, रूट ऑफ के क्यू क्यू अपॉन आर एम, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। आगे चलते हैं, अब देखिए अगर वेलोसिटी आ गई तो काइनेटिक एनर्जी निकालना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। फिर क्या है काइनेटिक एनर्जी बेटा, क्या होगी, हाफ एम और वी स्क्वायर, वी स्क्वायर हमारे पास कितना है, के क्यू क्यू अपॉन आर एम, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, एम के क्यू क्यू अपॉन टू आर एम, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। अगर हमको ओमेगा निकालना हो तो ओमेगा क्या होता है बेटा, वी इक्वल्स टू आर इन टू ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी बाई आर, तो देखिए वी हमारे पास कितनी है, 1/r रूट के क्यू क्यू अपॉन आर एम, और इसको अंदर भेज देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन आर क्यू एम, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, ओमेगा आ गया। अब देखिए बेटा ओमेगा तो आ गया हमारे पास, अब अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है तो टी इक्वल्स टू क्या होता है, 2π/ओमेगा, तो टाइम पीरियड मेरे पास कितना आ गया, 2π/। अब देखिए इसको जैसे ही नीचे रखेंगे ये पलट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर क्यू एम अपॉन के क्यू क्यू। अब टी भी निकल आया तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, f = 1/t, आप आराम से निकाल सकते हैं ऐसे, 1/2π, और ये क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन आर क्यू एम, ये मेरे पास क्या आ गया बेटा, फ्रीक्वेंसी आ गई। अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। देखिए बेटा हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि तीन चार्ज है हमारे पास, ठीक है बेटा तीन चार्ज हैं, एक तो प्लस क्यू है, प्लस फोर क्यू है, एक हमारे पास दे रखा है कैपिटल क्यू एंड एक स्मॉल क्यू, ये आर प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ लेंथ एल, कोई लेंथ एल की स्ट्रेट लाइन है, ये टोटल इसकी लेंथ कितनी है बेटा, एल है, ये प्लेस्ड हैं, रखे हुए हैं किस तरीके से, पहला चार्ज कहाँ रखा हुआ है, स्टार्टिंग में ही यहाँ पर 4q यहाँ रखा हुआ है, फिर l/2 पे कैपिटल क्यू, मतलब ये कितना दूर है, l/2 डिस्टेंस दूर है, तीसरा चार्ज कहाँ रखा हुआ है, यहाँ l पर, आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ क्यू इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स ऑन द क्यू टू बी जीरो, इस क्यू की क्या वैल्यू होगी, इस क्यू की वैल्यू आपसे पूछी है कि इस पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू टू नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू विल बी जीरो। देखो बेटा और ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन है ए, ऑप्शन है -q, बी है -2q, सी है -q/2, डी है 4q। देखिए बहुत आसान है, इसे तो हम बिना कॉपी पेन चलाए आराम से कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप ऑप्शन पुट कर दीजिए, सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाएगा। फिलहाल तो हम लोग जुगाड़ नहीं लगाएंगे और तरीके से सवाल को करेंगे। देखिए जरा ये प्लस फोर क्यू वाला चार्ज है,
ये इस प्लस के ऊपर ऑब्वियस सी बात है इधर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी, तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, ये कितना हो जाएगा बेटा, के क्यू इंटू 4 क्यू अपॉन एल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक, अब बेटा इतना ही फोर्स, इतना ही फोर्स ये इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, जब इतना ही फोर्स जितना ये आगे लग रहा है पीछे लग जाए, और पीछे लगने के लिए क्या होना चाहिए, इसको नेगेटिव होना बहुत जरूरी है। अगर ये नेगेटिव नहीं होगा तो ये रिपल्सन करेगा, तो ये चार्ज भाग जाएगा, एक तो यही धक्का इसको मार रहा है, फिर ये भी धक्का मारने लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ये नेगेटिव होना चाहिए, ये तो अंडरस्टूड हो गया। अब कितना होना चाहिए, तो लेट हमने चार्ज को क्यू मान लिया, ठीक, हम इसको क्या करते हैं, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ये निकाल लेते हैं, के क्यू क्यू अपॉन, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है बेटा, एल वाई टू है, एल वाई टू का होल स्क्वायर। अब देखिए बेटा ये फोर्स किधर लग रहा होगा, अलोंग अलोंग इधर सी बी, सी बी ये किधर लग रहा है, अलोंग ए सी। अब देखिए ये दोनों फोर्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, इधर लगने वाला फोर्स और इधर लगने वाला फोर्स इक्वल होने चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इसलिए एफ सी बी इक्वल्स टू एफ सी ए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर इंटू 4 इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर इंटू 4 अपॉन एल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, ये के से के कैंसिल आउट हो गया, के क्यू से ए क्यू कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो क्यू बेटा हमारे पास इतना आ गया स्मॉल क्यू, और ये कैसा होगा, स्मॉल क्यू माइनस का होगा, इसका साइन क्या होगा, शुड भी नहीं, हम कह सकते हैं मस्ट भी नेगेटिव, मस्ट भी नेगेटिव। बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए बेटा जितने क्वेश्चन मतलब कूलम्स लॉ पे होने चाहिए थे, सुपर पोजिशन थ्योरम पे होने चाहिए थे, ज़्यादातर बेटा मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर फिर भी किसी को डाउट आता है इस टॉपिक में तो वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है, बोल सकता है, मैं और क्वेश्चन डाल दूंगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम करते हैं, अगला टॉपिक हम लोग आगे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।